तो इसी मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया है उनकी ओर से, जो कि मृतका के परिजनों की ओर से लगाए गए थे कि तमाम जो आरोप हैं बेबुनियाद हैं। हमारी तरफ से तमाम कोशिशें बचाने की गई थी, मौत हुई है उसके लिए खेद है। तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या कुछ कहा गया वो एक बार सुन। कहीं भी किसी स्टेज पर मरीज की के इलाज में लापरवाही नहीं की गई है। इसके लिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर वो चाहें तो एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से इसकी इंक्वायरी करा सकते हैं। हमें अफसोस है कि पेशेंट की डेथ हुई और उनका बच्चा भी को भी नहीं बचा सके, मगर हमारे अस्पताल में मरीज के इलाज में किसी तरह की भी लापरवाही नहीं। माफ़ करने की सिचुएशन नहीं थी। एक मरीज की डेथ हो जाती है, उसका यंग गर्ल की डेथ हो जाती है और उसका बच्चा भी लॉस हो जाता है और वो अस्पताल में इतना दंगा और फसाद कर देते हैं कि उनकी बॉडी को हमने टाइमली रिलीज कर दिया और उसके बाद उनके पैसे छोड़ने का वो सवाल नहीं था, वो पैसे देना नहीं चाहते हैं। लेगी अभी डॉक्टर पांडे बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे कल, उसके बाद कमेटी की मीटिंग होगी, उस कमेटी में ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस पेशेंट से रिकवरी। साथ ही मामले को लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहते हैं वो भी सुनिए। देखिए, हमारे पास कोई इसकी शिकायत आएगी तो इसकी पूरी जांच कराएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मामले तो पहले भी होते थे, पहले सामने नहीं आते थे, अब क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे हैं इसलिए मामले सामने आ रहे हैं और हम कार्रवाइयां करेंगे। हालांकि ये बात हैरान करती है कि मामले सामने आ रहे हैं क्योंकि सरकार कार्रवाई कर रही है, तो क्रेडिट लेने से मंत्री जी यहां भी नहीं चूके, मामले सामने ही क्यों आ रहे हैं, इस तरह की घटनाएं ही क्यों हो रही हैं, ये भी सवाल है। तो सवालों के जवाब ले रहे हैं कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्याम सखा हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। श्याम सखा जी, क्या लगता है 18 लाख का जो बिल है, जो कि टाइफाइड ही बताया गया था मृतिका को, क्या लगता है इतना बड़ा बिल किस तरह से तैयार कर दिया जाता है? इस पर्टिकुलर बिल के बारे में तो मैं, मेरे सामने उसका पूरा आएगी हिस्ट्री तब बता पाऊंगा, लेकिन मैं बिल के बारे में आपको बात बताता हूं। और मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं कि उदाहरण मुझे वो देना पड़ रहा है। आप ढाबे पर 150 रुपये का चिकन खाते हैं, वही 5 स्टार में 3000 का खाते हैं, तो अगर आपको 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए, वहाँ जो कमरे होते हैं, आप ये देखिए मेदांता का जो सुपर स्टार वो है रूम है, वो एक 2 BHK के रूम जितना है, तो उसका तो किराया वो उतना ही लेगा जी। उसके बाद जो ICU में रखा जाता है तो एक पेशेंट पर एक दिन में मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, वो 25,000 रुपए डेली का खर्चा आता है जी। मरीज से लेने की बात नहीं, मरीज से वो 50 भी ले सकते हैं, लाख भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसका खर्चा नहीं हो सकती किसी तरह की, ये एक सीमा तय हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। मैं वही बता रहा हूं आपको कि वो खर्चा आता है, तो मान लिया जैसे 20 दिन रहा, तो आप ये देखिए कि 20 दिन अगर उस 5 स्टार कमरे का, जो किसी भी होटल में, जबकि वो होटल से भी बेटर, उनका जो एक बेड होता है उस कमरे में वही कम से कम 2 करोड़ का होता है, कोई भी व्यक्ति अगर साड़ी भी बेचता है उसमें ब्याज अपनी दुकान का सेक्शन का भी उपचार करेंगे, ये भी एक नियम है। वो था लेकिन वो नहीं करते, अपोलो को दिया गया था 1 रुपए के लिए, उसमें एक आ गया था कि 30% इलाज करेंगे, लेकिन वो सारी बात तब होगी ठीक जैसे मैंने पहले कहा था। एक तो इस तरीके के जितने केस हैं उनकी थोरो इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी कहां से हो कि जहां से इलाज शुरू हुआ, कि भाई गलत जगह से इलाज, जांच से कुछ मिला क्या नंदिता जी? जांच से कुछ मिला, फोर्टिस की जांच करवा ली गई थी, मैक्स की भी जांच करवाई गई, लीज भी आप रद्द कर देंगे, ब्लड बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया, स्थिति कहें कि जस की तस बनी है, उसमें कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जो सरकार है उसको अपनी सेवाएं दुरुस्त करनी है और जितने मशीनें हैं हमारे हॉस्पिटल्स में वो काम करनी चाहिए, जितने डॉक्टर्स की जरूरत है उतने डॉक्टर्स होने चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से जो डॉक्टर्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो बहुत उम्मीद करके आता है, तो इसमें जो डॉक्टर है उसमें मॉरल वैल्यूज होने चाहिए, एक नैतिकता होनी चाहिए, कर्तव्य बोध होना चाहिए कि मेरी ड्यूटी है, अगर मेरे पास ये पेशेंट आया है इसको मैं कम पैसे में कितने
जल्दी इसको ठीक कर सकूं। एक एग्जांपल देती हूँ, आजकल सर्दी है, हड्डियों की तकलीफ हो जाती है, एक ऑर्थो के डॉक्टर को अच्छे से पता है कि अगर हम इसके लिए एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, इसकी सिकाई करनी है, एक्सरसाइज इसको बताएं, गाइड करें, लेकिन और वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तरफ उनका उनका कारोबार बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ एक सेकंड, दूसरी तरफ उसके बाहर जो दवाइयों का बैग लेके कोई बैठा हुआ है, उसने उसको ऑब्लाइज करना तो वो उसकी दवाई उसको लिखेगा, उसने कहीं उसका एक्सरे कराना तो वहां भेजेगा, अल्ट्रासाउंड के लिए वहां भेजेगा। तो ये जो चीजें हैं, तो इनमें जो नैतिकता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी के जीवन से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, खिलवाड़ नहीं कर सकते। संजय गुप्ता के हमारे संवाददाता फरीदाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे अपडेट लेंगे। संजय, फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? जी, मैं आपको बता दूं कि 5 जनवरी को जो गर्भवती महिला की मृत्यु हुई थी, उसके गर्भ में पल रही बच्ची की मौत के मामले में जब एसीएन अस्पताल फरीदाबाद के प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे किसी भी लापरवाही के होने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि अगर वे चाहें तो किसी भी मेडिकल बोर्ड को गठित करके उसकी जांच करा सकते हैं। गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रही बच्ची की मौत से एसीएल अस्पताल अपना पूरी तरह पल्ला झाड़ चुका है। उनका कहना है कि इस मामले में उनकी किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आती और ना ही किसी भी तरीके की जांच से वह पीछे हटने को तैयार है। जी, मैं आपको बता दूं कि 5 जनवरी को, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आरोप खारिज कर दिए गए हैं, ढिंगरा साहब क्या लगता है, इस तरह के जो नामी अस्पताल हैं, 5 सितारा जो प्राइवेट अस्पताल हैं, क्या किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण भी इनको मिलता है कि किसी तरह का खौफ नहीं, सरकार किसी की भी हो? फिर नहीं, देखिए आपको ये बताऊं, सरकार के अंडर में होते हैं सारे हॉस्पिटल, इस तरह से नहीं। आईएमए जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये लागू करवाएं तो उसके अंडर आ जाता है सारा कुछ, लेकिन ये सरकार उसको लाना नहीं चाहती। दूसरी बात जो अनिल विज जी कह रहे थे कि हमारा योगदान है, अरे कहां है आपका योगदान? अगर खबरें अभी तक ने मामला नहीं उठाया होता तो आप तो आपकी तो कोई बाइट ही नहीं होती, आपकी तो कोई बात ही नहीं होती। आप कहते हैं जब वो आदमी जो है अपनी एप्लीकेशन देगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कितनी शर्म की बात है। मिनिस्टर साहब किस तरह से बात करें कि अब ये मामले संज्ञान में आने लगे, ये तो टीवी ये खबरें अभी तक पे नहीं होता। जहां तक सारे मामले हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, जहां तक सारे मामले हैं ये टीवी के माध्यम से अगर जाते हैं, खबरें अभी तक मेरे माध्यम से जा रहे हैं, तो मामला उठ रहा है और इसके बीच में अनिल विज जी अपना उल्लू सीधा करने की बात करते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब अपनी बात करते हैं, क्या अच्छे दिन यही थे? ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, पहले इन्होंने मैंने जो बात पूछी थी, कब तक आएंगे, क्लिनिकल एक्ट कब आएगा, डॉक्टरों की भर्ती कब होगी, तो ये जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना, क्या ये अच्छे दिन अभी यही आएंगे? इसी तरह से अच्छे दिन लाने थे आपने? 2014 से पहले मोदी जी ने हेल्थ की सेवाएं, दूसरी सेवाएं, कितने बड़े बड़े वायदे किए थे अपनी करने के लिए, और सनवारिया साहब के मंत्री जी इस बात को लेकर भी अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि मामले सामने आने लगे चूंकि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, क्या इसको लेकर भी सरकार साधुवाद लेगी? ज्योति जी, साधुवाद लेने की बात नहीं, सबसे पहले मैं अपने साथी प्रवक्ता से मैं प्रार्थना करूंगा कि टीवी बहुत इंपॉर्टेंट टीवी के ऊपर है, उल्लू ना साधें, सुअर ना काटें, ये चीजें पर इनका मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी तो पार्टी की परिपाटी ही ऐसी है कि सारा मैंने क्या कहा? मैंने तो अब आपने तो बहुत कुछ कह दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी बात कर रहे हैं, जो हेल्थ हमें दी है, मंत्री जी क्यों कह रहे हैं? कौन सा मामला उन्होंने उठाया? अभी तक उनके पास चिट्ठी नहीं आई जिसके साथ घटना घटी है, उनके पास कोई लेटर नहीं आई जिनकी घटना घटी है, अगर आएगी तब बात करेंगे, सुन नहीं पाएगा इनके चीखने से। अरे बिल्कुल, इनकी आदत होती है, सुन लेंगे एक बार के लिए। चलिए, बात का जवाब दीजिए, क्या मंत्री जी इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाएंगे कि मामले सामने आने लगे? सीधा जवाब, सीधा जवाब, सीधा जवाब। मंत्री जी की पीठ में थपथपाने की बात नहीं कह रहा हूं कि ये मामले कांग्रेस की सरकार, पहले इन लोग की सरकार थी, कोई ये क्या मामले पहली बार होने शुरू हुए हैं? उस वक्त इनकी उनको राजनीतिक क्या जनता को ये जवाब हो जाएगा? बीजेपी कह देगी कि कांग्रेस के वक्त में भी इसी तरह की मौत होती थी? मैं वो नहीं कह रहा, मेरे साथी दोनों आज मुझे ब्लेम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि ये मामले आने शुरू हुए बिकॉज मेरी सरकार उन पे एक्शन लेने लगी। अब से पहले तो एक्शन नहीं होता था, अब बात आई कि उन्होंने कहा कि मशीनरी अस्पतालों में नहीं है, इक्विपमेंट अस्पतालों में नहीं है, बेड अस्पतालों में नहीं है। अभी हरियाणा को बने हुए इतने साल हो गए, अभी आप अभी की अभी आप इनको कहिए चुप रहे तो बेटर है, वरना तो चीखते रहेंगे, आदत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहली बार मेरी सरकार ने जीडीपी का हेल्थ एलोकेशन
बिकॉज हमारी कंट्री में हेल्थ एलोकेशन बहुत मिनिमम पॉसिबल है। अब मैं एडवांस कंट्री की बात जाऊं तो 70% ऑफ जीडीपी जो है आपने हमारे पास, मेरी सरकार ठीक है आपकी हमारी सरकार, में आपकी सरकार ने जो किया स्वास्थ्य को लेकर वो नजर नहीं आया, वो नजर नहीं आ रहा तुलनात्मक रूप से उतना नजर नहीं आया। कुसुम शेरवाल जी क्या लगता है, हालांकि स्वास्थ्य जैसी बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है इस तरह के विभाग में सुधार आना, लेकिन 3 साल में भी बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आया कि सुधार हुआ है या स्थिति सुधरी है। ज्योति जी पूरे 3 साल बीत चुके हैं लेकिन सरकार अभी तक भी इस स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हमारे क्षेत्र ऐसे हैं। मैं बहुत रूरल एरिया में काम करती हूं और चाहे उसमें सढ़ोरा ले लीजिए, यमुनानगर का एरिया ले लीजिए, शाहबाद ले लीजिए, नारायणगढ़ ले लीजिए, वहां पर ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर डॉक्टर ही नहीं है, और ऐसा एरिया है मेवात जैसे एरिया है जहां पर डॉक्टर जाना ही नहीं चाहते हैं, तो वहां पे भी तो स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। एक सढ़ोरा एरिया में एक ऐसा एरिया है जहां सारे मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, ना वहां पर आज तक स्कूल है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब वहां पर यह कहते हैं कि मैंने लोहगढ़ जाने के लिए एक वहां पे रास्ते बनाने के लिए अप्रूव लिया है, लेकिन वहां पर वहीं से ही गुजरता वो एरिया है जहां पर जाने के लिए नदियों में से जाना पड़ता है। आज भी वहां पर जाने के लिए कोई स्वास्थ्य सेवाएं तो छोड़ो, वहां कोई बस सेवा तक नहीं है। अगर वहां पर किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस बच्चे को लेकर यमुनानगर जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो वो रास्ते में ही औरतें जो मर जाती हैं उसके लिए स्वास्थ्य सेवाएं कहां उपलब्ध करा रहे हैं। मंत्री साहब आज अगर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो दिखाई भी देना चाहिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। श्याम सखा जी जो बात निकलकर सामने आई, हालांकि आरोप है कि 3.5 लाख रुपए का बिल बनाया गया था, यह भी शर्त रखी गई थी कि ऑपरेशन तभी किया जाएगा जब आप बिल दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसे को लेकर बिल को लेकर आप उपचार नहीं रोक सकते, बताइए। देखिए मैडम वो बिल्कुल ठीक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, यूएस और यूएस में भी है जी। लेकिन मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के हिसाब से बताता हूँ कि जब मैंने कभी पैसे पहले नहीं जमा कराए, लेकिन बहुत सारे मरीज उठकर भाग जाते थे, ये भी एक प्रॉब्लम आती है, वहां भी आएगी, तो आप सिर्फ उसको एक डंडे से नहीं आक सकते। नहीं, स्थिति देखी जाए ना कितनी गंभीर हालत है, आप फिर आपकी प्राथमिकता तय हो जाएगी, डॉक्टर्स की प्राथमिकता क्या है, पैसा आ जाए, बिल भरे जाए या फिर जान बच जाए। डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता बिल जी, बिल में डॉक्टर इन्वॉल्व करता नहीं, अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल क्योंकि बाजार के सिस्टम से बन गया, कॉर्पोरेट बन गया, उसकी वजह से है। लेकिन मैं यहाँ सरकार की बात करता हूँ, देखिए इक्विपमेंट की बात आती है, पंचकूला के हॉस्पिटल में ही MRI और जो CT स्कैन है वो प्राइवेट ने लगाए हैं जी। और वहां एक पार्ट टाइम रेडियोलॉजिस्ट है मैडम जो 2-3 घंटे के लिए आता है, तो ये पंचकूला में है तो बाकी क्या हाल होगा। उसके बाद 8 महीने बाद जो रिटायर्ड डॉक्टर को रिक्रूट किया गया था कि भाई वो अपने आप लग जाएंगे जो रिटायर हैं, 8 महीने बाद लिस्ट निकली उसकी जो मैं ये बताता हूँ। अब आप ये बताइए कि हरियाणा का तो उत्सव मनाया जा रहा है, उन डॉक्टरों की लिस्ट नहीं निकाली जा रही, वो जितने पैसे हरियाणा के उत्सव में खर्च हो रहे हैं या जो अब 108 यज्ञ हो रहा है वो पैसे अस्पताल में क्यों नहीं। ठीक है, क्या आप पूरे इस मामले को कंडम करते हैं कि ये गलत है सरकार जो कर रही है, हालांकि वो भी गलत है ये भी पैनल पर कहा गया, लेकिन क्या आप कंडम करेंगे इतना बड़ा बिल दिया जाना, जान भी आप नहीं बचा पाते हैं, पैसे जब तक नहीं दिए जाते, बिल नहीं भरे जाते, आप ऑपरेशन शुरू नहीं करते, जिस दिन ये पैनल से बंद कर देंगे कि उसी दिन ये बिल इतने नहीं होंगे, उससे मैं कहता हूँ उसका 10वां हिस्सा बिल रह जाएंगे, उनके लिए सर्वाइवल होगा। अब तो उनके बजे हुए हुए हैं क्योंकि सरकार पैसे देती है पैनलिस्ट पे, घुटने बदलवाने का जो है 1 केस मिलेगा 100 में जो आप अपने पैसे से कराएगा, 99 के 99 सरकारी लोग कराते हैं रिटायर होकर। तो ये चले सनवारी साहब, अगर आप लोगों की नियत है और कहें कि इस तरह की नीति में बदलाव भी कर सकते हैं, क्या उम्मीद की जाए बीजेपी से? बिल्कुल उम्मीद, मुझे अभी बहन जी कुसुम जी ने कहा कि एक नदी से जाके गर्भवती महिला को, तो मुझे अचंभा लग रहा है कि ये भी मेरी सरकार में मेरी सरकार नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरी इनकी भी सरकार रही है कुछ दिन के लिए, तो मैं कह रहा हूँ ये मेरी सरकार में ही वो नदी का याद आ गया। ये क्या, मैं उस बात पे नहीं जाना चाह रहा बिकॉज पोलिटिकलाइज कर, ये जो हेल्थ सर्विसेज है ये सुधारनी ही पड़ेगी और इसके लिए और बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। नहीं, बजट तो बढ़ाते ही देते हैं, बड़े बजट का हवाला भी देते हैं, लेकिन बजट जाता कहाँ है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। नंदिता जी देखिए, मैं कहूंगी कि जो प्रायोरिटी नहीं है सरकार की, 1 महीने में 4 इस तरह के केस हो जाना तो सरकार का कितना ध्यान है इस पर, ये अपने आप में ही साबित करता है। इस सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं वो सेलिब्रेशन, गीता जयंती और कुछ जो नहीं सेलिब्रेट करना है उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, उसके लिए करोड़ों का बजट, आज के अखबार में हम पढ़ रहे थे कि कितने लाख रुपए में गीता खरीदी गई है,
मैं ये कहती हूँ कि ये सारे पैसे क्यों ना हम एजुकेशन और हेल्थ पे लगाएं, जो बेसिक नीड है नागरिकों की, उसके प्रति तो हमारा कोई ध्यान नहीं है। और वो स्वर्ण जयंती मनाएंगे, उसके लिए इतने लाख का बजट होएगा, तो ये करोड़ों का बजट है, तो ये सोचना होगा कि हमें सबसे पहले जो मुहैया कराना है वो बेसिक चीजें हैं, उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। जब आदमी खुद अच्छा नहीं होगा तो सेलिब्रेट क्या करेगा। ये बिल्कुल राजनीति से थोड़ा दूर एक सवाल विराट हिंगरा साहब आपसे मैं करना चाहूंगी, ये सवाल कि क्या सामाजिक मसला नहीं होना चाहिए कि किसी की भी सरकार हो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखे। बिल्कुल, ये बेसिकली आपको बताए, एक है मेडिकल जो है और जो एजुकेशन है, ये एक बुनियादी जो सुविधा है ये हर नागरिक को मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छे दिन दिखाने से नहीं होगा। आप लोग ज्यादा सरकार में रहे और हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं आपसे भी नहीं छुपे हैं, जनता से भी नहीं छुपे हैं। बिल्कुल, जनता जो टैक्स देती है क्या उसमें उम्मीद कर ले कि सरकारी अस्पतालों में उपचार मिल सकता है, आपको प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं। देखिए बिल्कुल होना चाहिए, इसके लिए आपको डॉक्टरों की भर्ती करनी चाहिए, नर्सों की भर्ती करनी चाहिए। 12,500 जो कर्मचारी सड़कों के ऊपर घूम रहे थे NHRM के वो अपनी मांगों को लेके, उनको जब भी इन्होंने लाठियां मारी और उनको जो सड़कों के ऊपर इतनी देर रहने दिया और इतनी सेवाएं बंद करवाई है जो है हेल्थ की होनी चाहिए थी, तो वो क्यों करवाया इस सरकार ने, वो सोचना चाहिए। पक्के किए जाने की मांग थी, तमाम जो भी चीजें थी आप लोगों की सरकार के दौरान भी वो मांगें बरकरार थी, अभी भी है वो मांग। नहीं देखिए, तो ये अच्छे दिनों की सरकार है ना, हमारी तो सरकार अच्छे बुरे लोगों ने जवाब दे दिनों की सरकार, लोगों ने जवाब दे दिया उसको साहब। अब डॉक्टर साहब, अब आपकी सरकार है, आपने 3.5 साल में अच्छे दिन लाने थे, अब आप बताए हेल्थ की सर्विस कहाँ है, एजुकेशन की सर्विस कहाँ है, अब आप बताए ना। आपने कहा था हम अच्छे दिनों की सरकार लाएंगे, आपके मोदी जी चिल्ला चिल्ला के भाषण देते थे ऊपर चढ़ के बिल्कुल जी, हमारी सरकार पूरी तरह से बजट को बढ़ाया है। अभी कांग्रेस के टाइम में 1.1% जो GDP का होता था, अभी 1.8 और करीबन 2% के GDP का हुआ है। बट देश का इतना बड़ा डायमेंशन है, उसके बारे में सुने सुने करके हमें जो हालत मिली, 7 से 3.7 आ गई। सरकारी अस्पतालों में ना मशीनें आई है, ना डॉक्टर आए हैं, ना बाकी कर्मचारी आए हैं, ना किसी तरह के उपकरण आए। हमारी पुरजोर कोशिश है कि वो जल्द से जल्द से सारी चीजें वहां होंगी। अभी इन्होंने कहा कि डॉक्टर कितने भर्ती किए, हमने 248 डॉक्टर भर्ती किए इस सीजन में। बहन जी को बता देना चाह रहा हूँ, मेवात में पहले मेरी सरकार ने इंसेंटिव देके लोगों के, इनके राज्य में क्या था, कोई परवाह ही नहीं है, जा सबको घुमा फिरा के पंचकुला रखते थे। पहली बार ये भी बता दे कितने रिटायर किए, जितनी देर आपने 60 से 58 की उनकी एज, कितने रिटायर किए जो डॉक्टर थे। चलिए समय समय कम है, आखिरी 2 मिनट हमारे पास है, सबके कमेंट हम ले लेंगे। शेरवाल जी आपके पास हम आएंगे, क्या लगता है उकलाना से मामला सामने आया था जब गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल की ही नर्स प्राइवेट अस्पताल में भेजती है, कमीशन खोरी का पूरा मामला सामने आया, सरकार ने जांच क्या करवाई वो सवाल अभी भी बना है, फोर्टिस अस्पताल का मामला सामने आता है, उसके बाद एक और ये मामला। लेकिन आज तक भी ये चार पांच मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से जो अभी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर आनंद जी, कि हमारी सरकार ने 3 साल में भर्तियां करी हैं, उसके बावजूद भी अभी भी 74 ऐसे हैं जो PHC जहां पे अभी भी डॉक्टर नहीं है, और जहां पे 55% ऐसे नर्सिंग है जहां पर सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी ज्योति जी, क्योंकि आज अगर ये जो प्राइवेट जो संस्थान है वो टूरिज्म बने हुए हैं, अगर उन टूरिज्मों को बंद कम किया जा सकता है, कम सरकार को सुझाव ना दीजिएगा, आपसे अपील है ये, लेकिन कैसे सुनिश्चित किया जाए कि प्राइवेट अस्पतालों में उपचार मिल सकेगा, बड़े बिल नहीं मिलेंगे। देखिए मैंने बताया आपको कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आपने 4-5 को ले लिया, लेकिन अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत हो रहा है। मैं 72 साल का होके कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है कि जो डॉक्टर्स रिटायर हुए हैं
उनको क्यों ये कहा जाता है 65 या 70 के बाद नहीं देंगे? अगर डॉक्टरों की कमी है सबको ले लें जितने रिटायर हुए हैं। मैंने बताया आपके कि 8 महीने बाद उनको रिटायरमेंट के। दूसरी, ये जो प्राइवेटाइजेशन का तरीका इस सरकार ने, स्पेशली इस बीजेपी सरकार ने अपनाया, ये बहुत गलत है। मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ पार्ट टाइम रेडियो नहीं भर्ती तो होनी चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया चर्चा में बने रहने के लिए। तो मामला बेहद गंभीर है, सरकार जांच क्या करवाती है, उस जांच के बाद क्या होता है, ये देखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।